तो भैया जी कैसे हैं आप लोग, मस्ती होंगे। तो इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, उससे पहले वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जरा उसे एक एक कंटाप लगा के आ जाइए आप लोग। तब तक हम बताते हैं कि आज के वीडियो का मकसद क्या है। तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे आपको गाँव की कुछ झलकियाँ। असल में हुआ ये कि जन्माष्टमी इस्कॉन में सेलिब्रेट करने के बाद हम निकल पड़े अरुणा माता जी के घर, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। तो बेसिकली हम लोगों ने वहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस किया, बस ये वीडियो का वही मकसद है। तो चलिए दिखाते हैं, शब्दों में क्या ही बयां करें। तो चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी लंबे के साथ चैलेंजिंग भी था। पतली गलियाँ, संकरे रास्ते और टूटे फूटे गड्ढों से होते हुए हम फाइनली पहुँच गए माता जी के गाँव। और यहाँ आके हमें मिला काफ़ी देर तक रेलवे फाटक, जो कि बंद था। तो हमने किया थोड़ा वेट और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो फाइनली हम पहुँच गए अरुणा माता जी के घर, और पहुँचते ही उनकी माता जी ने क्या ही प्यार से स्वागत किया हमारा। और हमारी जो फ्रेंड है मरियम, उनका तो मान लो दूसरा घर ही है वो। तो पहुँचते ही हमें मिल गया काम, जो कि जैसे माला बनाना, बैलून फुलाना वगैरह वगैरह। तो वीडियो में साथ बने रहिए, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा अभिषेक की पूरी तैयारी। और ये प्रेम मिलाप के साथ हम लग लिए काम में। और बेसिकली ये तैयारी हो रही थी रात को कृष्णा जी के अभिषेक के लिए। तो हम लोग बनाने लगे फूलों की माला, और मुन्ना और लविश भी फुला रहे थे बलून। और इसी बीच सब लोग रेडी हुए, और बीच में हमने एंजॉय किया झांकी, जो कि मोहल्ले वालों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो आप झलकियां देखिए और एंजॉय कीजिए बस। अरे कृष्णा क्या हो रहा है, ये तो सर बलून फुला दिए और इससे बनाया जाएगा। और ये देखो कृष्णा जी छुप छुप के बैठे हैं। तो वैसे तो हमारा प्लान था अगली सुबह निकल जाने का, बट हमारी प्यारी आंटी ने हमें जाने ही नहीं दिया। फिर आज ये डिसाइड हुआ कि लविश भैया के ससुराल जाना है, वहाँ से उनकी मिसेज यानी कि हमारी भाभी को वापस लाना है। तो फिर क्या था, हम लोग भी वानर सेना की तरह चल दिए सब लोग। और वहाँ जाके जो मेहमान नवाजी हमने पाई, आहा दिल खुश हो गया। तो वीडियो में देखिए और देखिए कि मेहमान नवाजी कैसे होती है छोटे शहरों में। तो बेसिकली हम अब निकलने वाले थे भाभी को मायके से लेके आने के लिए।
बट यहाँ जनरेटर की आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। इसलिए वीडियो में आगे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो वीडियो भाभी को लेके आने के लिए, मतलब भाभी को उठाने के लिए, ये देखिए मतलब भाभी जी को उठाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पहुँच के काफी तगड़ी हॉस्पिटैलिटी के साथ हमें मिले शगुन के कुछ पैसे, और फिर भाभी को लेके हम चल दिए अपने घर की तरफ। और इसी के साथ होता है हमारा दिन का अंत, और फिर हमने रात को की थोड़ी सी नाइट गेजिंग, और फिर हमने एंजॉय किया बारिश। मिस मरियम बारिश दिख नहीं रहा है लेकिन अब हो रहा है। क्या बोला तूने? हो रहा है। देखो फील करो, आवाज तो आ रही है। तो अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ढेर सारा प्यार दें और शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।